छतरपुर जिला अस्पताल में एक्सीडेंट केस में लाए गए एक व्यक्ति को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इससे नाराज उसके परिजनों ने डॉक्टर पर हमला कर उनके साथ मारपीट करी। इस घटना के बाद डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। छतरपुर जिला अस्पताल में आपातकालीन ड्यूटी कर रहे डॉक्टर साजिद खान के साथ एक मृतक के परिजनों ने मारपीट कर दी। दरअसल बमीठा में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद परिजन मृत को बेहोश समझकर जिला अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन नाराज होकर उग्र हो गए और डॉक्टर के साथ मारपीट करने लगे। इस घटना से नाराज जिला अस्पताल के सभी डॉक्टरों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी। कोतवाली पुलिस और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। डॉक्टर्स को आश्वासन दिया गया कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद डॉक्टरों ने काम शुरू किया। जिला चिकित्सालय छतरपुर में ऑन ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर साजिद खान के साथ कुछ मरीज के परिजन अपने डेड बॉडी को लेकर जिला चिकित्सालय में आए थे, तो डॉक्टर द्वारा देखने के उपरांत वो डेड बॉडी लेकर के बाहर चले गए, ऐसा डॉक्टर ने बताया है। ले जाने के बाद उनके 10-12 लोग, जिसमें से एक को मतलब नामजद उसका पता है और मोबाइल नंबर भी है, वो आकर के वो डॉक्टर ड्यूटी रूम के अंदर घुस करके उन्होंने मारपीट की है। जब गार्ड उसे बचाने आए तो उसके साथ भी अभद्र व मारपीट की है। इसके बाद जिला अस्पताल का स्ट्रेचर लेकर के और डेड बॉडी निजी अस्पताल छतरपुर में ले गए, ऐसा ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने बताया है। हम डॉक्टर को जैसे सभी को पता चला है, सभी डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित हैं और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जब तक उसके विरुद्ध यदि कार्रवाई नहीं होती है, हम एक भी मरीज को नहीं देखेंगे, क्योंकि डॉक्टर को जो चोटें पहुँचाई गई हैं, डॉक्टर घबराया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छतरपुर में कुछ देर पहले पेशेंट के साथ जो उनके रिलेटिव आए हुए थे और जो ड्यूटी डॉक्टर थे, उनके बीच कुछ इशू हुआ था और गंभीर मैटर था। इमीडिएट हमारे थाना प्रभारी आए और हमने इंश्योर किया है कि सुसंगत धाराओं में कड़ी से कड़ी FIR इसमें की जाएगी। ये अभी कोतवाली थाना का है, लेकिन जो मैटर था शायद हिट एंड रन का मैटर था, वो बमीठर से जहाँ वो पेशेंट को लेके आए थे, और दूसरे डॉक्टर सभी से बात हुई है। उनका कुछ और डिमांड थी, कुछ पुलिस फोर्स बढ़ाने चौकी में, तो उसको हम अभी रेशनलाइज करेंगे और जो बेहतर होगा बेहतर से व्यवस्था की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।